भाई मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जो 2 दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की जो ट्रायल में जो हुआ उस पे मैं अपना विचार रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि ये हुआ क्यों। ये जब जो पोजीशन जो चल रही थी उस बाउट में, उसमें अब कोई बता रहा है कि मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, रेसलर हैं, वो बोले कि अभी रूल आ गया ये ऐसे कि जो ऐसे नीचे गिर जाता है तो उसका पॉइंट दे देते हैं। चलो उनकी बात भी मानता हूँ, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इंडिया में कोई भी कुछ भी जो एक रूल है वो अच्छी तरह फॉलो कोई करता ही नहीं है। आज तक कहीं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं हुआ कि प्रॉपर रूल से इन्होंने फेडरेशन ने कोई कंपटीशन कराया हो। तो उस पोजीशन में वो बता रहे हैं कि अगर कोई या मेरे रेसलर अच्छे दोस्त हैं तो वो बोले कि अगर किसी न्यू कोच से अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि इस पोजीशन में स्कोरिंग अब देने लग गए। तो ये भी मैं बात मानता हूँ। चलो मेरे को तो शायद मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं, इसलिए शायद अपडेट नहीं हूँ मैं। तो वो भी बात मानते हैं हम, चलो हम अपडेट नहीं है, वो स्कोर होने लग गया होगा। तो उस स्कोर को हम अगर उसको भी दें तो वो पॉइंट बनते हैं दो, दो स्कोरिंग बनती है, और फिर उन्होंने दे रखे हैं 3 पॉइंट। वो किस बात के दिए? अब वो बोले कि भाई वो गिरने के बाद हो गए 2, और जब वो उठा तो वो बाहर चला गया तो बोले होया 1 और। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब वो नीचे गिरा और वो जैसे ही जस्ट उसने एक उसका जो पैर पकड़ा था, जब उसने वो दूसरा पकड़ने लगा तो तुरंत बगैर होल्ड के वो उठ के और उसी एक्शन में, वो एक एक्शन जो चल रहा था उसका, उसी एक्शन में वो बाहर गया था, तो उसका कोई थर्ड पॉइंट बनता नहीं। लेकिन अब वो ऑब्जेक्शन हो गया वहाँ पर, तो कोच जी ने देखा कि भाई स्कोर तो दिए नहीं, स्कोर सत्येंद्र को ही दे दिया ओवर रूल करके उसका ऑब्जेक्शन, तो स्कोर कर दिया 4-0 का। 3 सत्येंद्र के पहले ही थे। तो फिर अचानक क्या हुआ, वो स्कोरिंग देख के सभी अपने अपनी सीट पे बैठ गए, और फिर अचानक से पता नहीं क्या जगबीर जी को अपनी जो कोचिंग थी वो उनके अंदर से जागी एकदम। वाह, एकदम उठ के वो अकेले ही, वो जो रेफरी जज और मैच चेयरमैन जो बैठे थे उनके फैसले को दूर करते, वो अकेले बोले मेरे को, जो कि उसमें थे ही नहीं। जो उसको वीडियो को देखने वाले जो पॉइंट देने वाले थे वो उसमें थे ही नहीं, लेकिन वो बाद में एंट्री मारते हैं एकदम से और बोलते हैं मेरे को फिर दिखाओ ये। वो अब एकदम से कहाँ, उनको क्या इशारा मिला कि वो एकदम से उनके जजीज के जो जूरी थी जो उसके पॉइंट देने के बाद वो एकदम से मैदान में कूदे कि मेरे को बताओ क्या हुआ है। इससे तो जो पहले वाले जो रेफरीज जो जज खड़े थे, मीन्स कि उनको पता नहीं था। अब आप ज़्यादा सुपीरियर हैं तो आप उसको देखने आए हैं कि भाई मैं अच्छी तरह डिसीजन दूंगा इसका। तो तब उन्होंने क्या किया कि बोले ये हो गया पॉइंट, ये 2 हो गए, ये बाहर निकल गया, इसका 1 हो गया, ये स्कोर 3 हो गया, एकदम से 3 हो गया। ये उन्होंने एकदम से 3 दे के और उसके साथ जो नाइंसाफी की उसको, वहां स्टेडियम में जितने भी जो ट्रायल्स देखने गए थे सभी ने उसको देखा। और उसके बाद जब सत्येंद्र दोबारा से उनके पास अपील करने के लिए गया तो उन्होंने उसको चाटा लगा दिया सीधा ही। अब एक तो उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ऊपर से उसको चाटा और लगा दिया। और जो न्यूज़ वाले हैं आज, जो न्यूज़ पेपर, जो मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, टीआरपी के लिए नेगेटिव न्यूज़ को जो जितना ज़्यादा फैला रहे हैं,
और खासकर रेसलिंग को लेके पिछले कई टाइम से ये देखने को मिल रहा है। तो हर न्यूज़ चैनल वाला इसको बोला सितेंद्र ने मारा, रेफरी को मारा, कोई तो एक बहुत अच्छे कोच हैं उन्होंने एक स्टेटस लगाया था कि अपने पिता तुल्य अपने रेफरी के ऊपर ये हाथ उठाया, इसने अच्छा नहीं किया, क्या नहीं किया। अगर आप वीडियो को देखें आपको पता चलेगा इतने बड़े रेसलर के ऊपर हाथ उठाना, उनको किसने इजाज़त दी इस बात की कि आप उसको, वो आपके पास गया है कुछ बोलने तो आप उसके ऊपर सीधा ही चाटा लगाएंगे उसको। अगर हम इस बात को देखें कि ये उनके पिता तुल्य थे तो क्या उनके बच्चे के समान नहीं है क्या। और ये थप्पड़ वाले सीन तो मैं बोलूं जो लास्ट ईयर में बृजभूषण शरण सिंह जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट रेसलिंग एसोसिएशन के, उन्होंने एक लड़के को चाटा लगाया स्टेज पे। अब क्या इतनी दबंगई से रेसलिंग फेडरेशन अब व्यवहार करेगी क्या, किसी को भी किसी के साथ भी ना इंसाफी करना। क्या उस लड़के ने मेहनत नहीं की क्या इतने सालों तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा घटना, ये जो खराब घटना हुई है इसकी हम सभी रेसलर्स निंदा करते हैं। और एक बात और बताता हूँ, सभी रेसलर्स को पता है कि जो ये कोचिज है ना, जो आज रेसलिंग जो जूरी में है, टॉप पे जिसको रखा गया है, जो ये जजिस का और जो ये मैच सेरेमनी का, जो वीडियो देखने का, ऑब्जेक्शन का देखने का काम करते हैं, ये कितने फ्रॉड है। मैं सभी को बोल रहा हूँ, मेरे को अब मैं सच्चाई तो मेरे को बोलनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोई एलीट रेसलर तो बोल नहीं रहा है। पता नहीं उनको क्या हो गया कि अपने मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या उनके पता नहीं कि भाई उनके कोई कंपटीशन छिन जाएंगे, क्या होगा। लेकिन कोई बोलने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोल रहा है, कोई ऐसी भी क्या गुलामी आ गई, ऐसा भी क्या हो गया भाई कि एक भी रेसलर नहीं बोल रहा। मैं इस बात का मैं वो नहीं करता हूँ कि मैं, मोहित भी मेरा अच्छा फ्रेंड है, हमारा जूनियर है और उनके फैमिली के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उसके जो सिलेक्शन उन्होंने अब हो चुका जो उसके मैं विरोध में नहीं। अब मैं उनके रेफरी जो ये एकदम से आके एंट्री मार के एकदम से जो डिसीजन को ये ऐसे बदलते थे, फ्लिप करते हैं, मैं उसके विरोध में हूँ। और अकेले स्टेंडर के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बातें सभी जो मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी रेसलर हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे रेसलर हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। शायद ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम हुई कुछ, क्या हुआ। हेलो, शायद भाई अभी मेरा नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई लगता मेरे को। जाओ
नरमा। भाई आवाज एक बार में शायद सोनू किरण भाई यार निर्मल सिंह जी हाँ धन्यवाद दिनेश मलिक भाई। आवाज एक बार मेरे को क्लियर करना कि आवाज अच्छी तरह आ रही है नहीं आ रही। चौधरी जी गलत तो जिस लड़के ने मेहनत की है और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई ना उससे पूछो क्या गलत है क्या सही है। चलो ठीक है दिनेश भाई ओके ओके। तो मैं मेरी बात कहाँ रुकी थी मैं ये बता रहा था कि ये एक ग्रह है कोचिज का जो तैयार किया हुआ है कि जिस भी किसी भी मैच में अगर कुछ फेरबदल करना है ना तो उनको एकदम से आगे करते हैं और वो जाके अपना डिसीजन को कैसे भी उनको घुमाना होता है रूल बता के या कैसे भी करके वो अपना फैसला देते हो। तो इन कोचेज ने बहुत सारे रेसलर्स के साथ नाइंसाफी की पहले भी और कोई भी पहलवान नहीं बोल रहा मेरे को तो इस बात से आश्चर्य है कि क्या वो इस बात की वेट कर रहे हैं कि उनके साथ गलत होगा तब वो बोलेंगे। नहीं अभी तो सतेंद्र के साथ गलत हुआ है चलो अब ये सोचते होंगे कि चलो कोई नहीं हो गया अब क्या करें आगे देखेंगे क्या उनकी बारी आएगी तब वो बोलेंगे। ये बात सोचने की है और एक टॉपिक और है मेरे पास जो इस बात से भी पहले कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा एक डिसीजन दिया गया कि अब हरियाणा की रेलवेज की और सर्विसेज की एक एक टीम लड़ेंगी। ये कितना अच्छा फैसला था उनका। एक बार जो कोचिज हैं जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं मैं एक बार उनसे पूछता हूँ कि ये कितना अच्छा फैसला था। एक एक टीम जाने का मतलब क्या है कि हम एक टीम में 10 प्लेयर्स होते हैं और ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल एंड वुमेन्स तो 30 मेडल हम खो रहे हैं एक बार में और उन 30 से क्या होगा उनको नौकरियां मिलेंगी रेलवेज में सर्विसेज में कोई अपने स्टेट डिपार्टमेंट्स में मिलेंगी उनकी उनके रोजगार पे लात लगी है। आश्चर्य की बात यह है कि कोई कोच भी नहीं बोल रहा है सभी उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं कि हाँ हाँ ठीक है करके उनके पीछे ही लग गए हैं। कुछ एक कोच हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन
उनको बैक फुट पे रखा जाता है, उनकी कोई कोई वैल्यू ही नहीं रखता, उनको पूछता ही नहीं कोई, वो अपनी चेयर्स पे बैठ के कंपटीशन देख के चले जाते हैं। और कोई हरियाणा स्टेट डिपार्टमेंट्स में है, जो रेलवेज में है, जो आर्मी आर्मी में जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उन्होंने भी एक बार भी कोई योगेश्वर दत्त जी आए हैं, पहलवान जी नमस्कार, तो उन बोर्ड्स में से भी किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि एक टीम लड़ाने का क्यों फैसला लिया गया। इससे गेम बढ़ेगा नहीं, इससे गेम घटेगा। रेसलिंग फेडरेशन क्या कर रही है, इससे गेम बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो अपनी दलीलें तो देते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वो लड़ेंगे लड़ेंगे, कैसे ऐसे कैसे बढ़ावा मिल सकता है? आप मेरे को एक बार ये बताइए कि जब एक प्लेयर नेशनल में जाएगा, वो मेडल जीतेगा, तो अपने स्टेट में स्कॉलरशिप के फॉर्म भरेगा, उसको इनाम मिलेगा वहाँ, उसको नौकरी मिलेगी वहाँ, तो एक टीम करके तो उन्होंने सीधा ही 30 बच्चों का एकदम से ही नौकरी, उन्होंने एकदम नौकरी पे लात मार दी। मैं हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्मी और रेलवेज वाले तो ऑलरेडी वो जॉब पे हैं। कोई भी रेसलर नहीं बोलता हरियाणा से, ऐसा भी क्या हो गया भाई? कोई कोच नहीं आवाज उठा रहा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि आपने एक बार भी क्यों नहीं बोला कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हम इस बात का विरोध करते हैं, क्यों नहीं किया गया? रेसलर्स और ये सब सेवड़ी जो कमी है ना, ये मैं उनकी नहीं मानता, मैं ये तो सीधा सीधा मैं रेसलर्स को बोलता हूँ कि ये आपकी कमी है भाई, आप एक साथ नहीं हैं, एक साथ खड़े होंगे तो ही हम अच्छे रूल्स रेगुलेशंस में अपनी फेडरेशन को देख पाएंगे। इंडिया की रेसलिंग हरियाणा से चलती है, अगर हम उसको देखें कि रेलवेज में या आर्मी सर्विसेज में, तो वो वहां भी टोटल हरियाणा ही मिलेगा आपको। कोई नहीं बोल रहा, बस सभी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि हमारा खेल जिस दिशा में जा रहा है उसको जाने दो, किसी के साथ नाइंसाफी होती है होने दो। कोई चू नहीं कर रहा, कोई कोच या कोई एलीट रेसलर या कोई भी छोटा रेसलर, कोई भी नहीं बोल रहा। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हम एकजुट नहीं है। पहलवान जी, धर्मेंद्र दलाल जी नमस्कार। तो सभी रेसलर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने कोचिज को बोलिए कि एक अच्छी फेडरेशन बनाएं, उस जो बिल्कुल रेसलिंग के लिए काम करे, जो किसी के दबाव में ना आके कोई अपना फैसला ले, जो रेसलिंग के लिए अच्छा काम करे, आप उनको सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि अब हाँ वो उसका दोस्त है, वो उसका रिश्तेदार है, ऐसे करके उनकी सपोर्टिंग में खड़े हो गए। सतीश याग भाई हेलो, अब ये चीज 3-4 तो हम ये एक्सीडेंट इंसिडेंट्स ये हम देख चुके हैं, जो कोई किसी को थप्पड़ लगा रहा है कोई, और न्यूज वाले को तो नेगेटिव चीज चलाने का इतना शौक पड़ चुका है कि नेगेटिव चीज को फैलाने में तो इतने आगे रहते हैं, और लोगों को
लोगों को शौक है नेगेटिव चीज देखने का, पॉजिटिव चीज देखते ही नहीं है। पॉजिटिव चीज अगर कोई आ गई तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि चटपटी बातें नेगेटिव चीज में आएंगी। तो सभी रेसलर से मैं ये बोलता हूँ, आप इकट्ठे हुएं और कोच को जॉनी चौधरी जी, कोच को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ये कैसे एकदम से थप्पड़ लगा दिया उन्होंने इतने बड़े रेसलर को, और फिर न्यूज वाले बता रहे हैं सितंदर ने ऐसा कर दिया, सितंदर ने वो कर दिया। रेसलर जितने भी रेसलर है ना, सभी ने अगर उनकी दिल की बात मैं बताता हूं तो सभी मैसेजेस पे या कैसे भी बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं अच्छा किया। लेकिन जो रेसलिंग से टच में नहीं है, जिनको एबीसी भी नहीं पता रेसलिंग की क्या होती है, वो उनको अब न्यूज वो तो न्यूज पे भरोसा करते हैं। अब न्यूज वाले दिखा रहे नेगेटिव तो वो बोल रहे हैं बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उस बात को नहीं देख रहे कि उसका कितना बड़ा लेवल का प्लेटफॉर्म था, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का कंपटीशन था। अब उसने इतने साल रेसलिंग की है, अब उसका लास्ट पीक का टाइम था, और जो जीतते जीतते उसको जबरदस्ती हरवाया गया। तो कोचेज जो रेसलर्स को जो तैयार करते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, विरोध करना सीखें, किसी भी बात को ऑर्डर आ गया उसको मान लेना ये स्वतंत्रता नहीं है। आप अगर उसको आपको बात अच्छी लगती है तो उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो क्या दबाव आ गया, ऐसा क्या हो गया, इतनी भी क्या गुलामी आ गई आपके अंदर की अगर आप वो बात ना मानेंगे तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। छोड़ दीजिए ऐसी रेफरशिप को, अगर आप अपने जमीर पे ही नहीं है तो क्या फायदा आपको रेफरशिप करने का, जब आप एक निष्पक्ष फैसला ही नहीं दे सकते, जो आप आवाज ही नहीं उठा सकते। सभी रेसलिंग कोचिज भाई है, जितने भी मेरे भाई है देख रहे हैं इसको एक बार, जितने भी कोचिज वगैरह स्पोर्ट्स ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करना, ताकि ये आवाज कोचिज, क्या पता किसी कोच का जमीर जाग जाए और वो इन जो भी ये एक टीम का फैसला लिया गया इसके ऊपर कोई खड़ा ही हो गए बोल पड़े, या जितने मेरे एलीट रेसलर हैं वो ही कुछ मेरा साथ दे दें इस बारे में। अब नाम किसका लूं सभी जानते हैं कि हुआ गलत, सभी मानते हैं हुआ गलत, लेकिन बोलता कोई नहीं। जड़ी बूटी ने आपकी ये शक्ति खत्म कर दी क्या? चलिए सभी को धन्यवाद, सभी का जो आपने मेरा ये लाइव ब्रॉडकास्ट देखा धन्यवाद। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा सितंदर से या मोहित से कोई, मेरा दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मोहित का जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी तो फैमिली के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, क्योंकि वो भी एक रेसलिंग फैमिली बैकग्राउंड से है। तो इसमें मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो गलत है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी रेसलर से एक साथ खड़े हों, ताकि आगे कुछ गलत डिसीजन हो तो हम उसका विरोध कर सकें। अनिल राम राम भाई आप बहुत लेट आए, ओके राम राम, जय भोलेनाथ।